हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेबटेक जोन। आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर इन जीमेल। तो दोस्तों, जीमेल में सिग्नेचर कैसे क्रिएट करते हैं आज हम सीखेंगे। सिग्नेचर बहुत ही यूज़फुल रहते हैं जब हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं या जो भी है, हमारे सिग्नेचर लिखने का टाइम भी बच जाता है। तो सिग्नेचर कैसे क्रिएट करते हैं जीमेल में, वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोकिए। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, बहुत मेहनत पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ आपका फ्री का सब्सक्रिप्शन अगर वीडियो पसंद आए तो ही दे देना। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैं जीमेल पर आया हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे सी ऑल सेटिंग पे जाइए। सी ऑल सेटिंग जाने के बाद जनरल में बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैप रहेगा, अगर नहीं है तो जनरल पे जाइए। जनरल पे जाने के बाद नीचे आपको आना है और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है और यहाँ पे सिग्नेचर का नाम देना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये नाम आपका सिग्नेचर पे नहीं आएगा, ये ओनली सिग्नेचर का नाम है। बिकॉज आप एक से ज़्यादा भी सिग्नेचर बना सकते हो, तो नाम से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे करना मैं आपको सिखाऊंगा। ये सिग्नेचर का नाम दे दीजिए, सिग्नेचर का नाम आ गया है। अभी दूसरा कुछ क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो। एक और एक क्रिएट करता हूँ मैं आपको, नेटकास्ट वेब टेक। दो मैंने सिग्नेचर क्रिएट किए हैं, यहाँ पे दोनों का नाम आ गया है। तो जिसको भी एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो ये मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन, ओके। और यहाँ पे मुझे लोगो डालना है नीचे, तो मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊँगा और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके ड्राइव में अगर कुछ फ़ोटो है तो वो कर सकते हो आप, नहीं तो अपलोड पे जाइए। अपलोड पे जाने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट डिवाइस, मतलब कंप्यूटर से आप निकाल सकते हो जो भी फ़ोटो है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे कंप्यूटर में कुछ फ़ोटो है तो ये वाला ले लेता हूँ मैं, ये वाला। ये लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड लेने के लिए 1-2 सेकेंड लगेगा आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से दोस्तों। दोस्तों, आगे भी बहुत सारे सेटिंग्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, ये अपलोड हो गया है और यहाँ पे आएगा ये देखिए आ गया। अब ये बहुत बड़ा इमेज दिखेगा आपको, तो इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक करना है या मीडियम पे, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं मीडियम रख लेता हूँ, ओके। ये होने का दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ बोल्ड करना है तो आप सिलेक्ट कीजिए और बोल्ड पे क्लिक कीजिए, और कुछ कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ए पे क्लिक कीजिए और कलर भी चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज हो गया। और कुछ आपको वेबसाइट लिंक डालनी है तो नीचे आपको क्या करना है, ये लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी वेबसाइट लिंक डालनी है आप डाल सकते हो आपकी। यहाँ पे डिस्प्ले नेम चेंज करना है तो कर सकते हो, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट भी आ गई अपनी, ये हो गया। अभी दूसरा भी सिग्नेचर आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सेव करना है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। ये सेव हो गया है, अभी कंपोज करता हूँ मेल। यहाँ पे देखिए कुछ आया नहीं है, तो आपको ये देखो पेंसिल जैसा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कार्ड। ये मैंने सिग्नेचर सिलेक्ट किया, ये वाला सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आ गया, तो मैं हाय हेलो जो भी कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर रखना है तो इस पर जाइए आप, फिर से ऑल सेटिंग में जाइए और सिग्नेचर में जाइए, ओके। और यहाँ पे सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट पे आपको ये नेटकास्ट वेबटेक जोन, जो भी सिग्नेचर का नाम आपने रखा है वो आपको सिलेक्ट करना है, सेव करना है और बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जीमेल में सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।